वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड दिस इज द पार्ट ऑफ आवर चैप्टर दैट इज नोन एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल. करेक्ट. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस. इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके बॉडी में कितना सेल प्रेजेंस है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था. जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ था उसको हम लोगों ने क्या बोला, उसको हम लोगों ने यूनिसेलुलर बोला. और जो एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल सेल से बना हुआ था उसे हम लोगों ने क्या बोला, मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या था, बैक्टीरियाज. और मल्टीसेलुलर का ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स और हम लोग खुद जो इंसान ह्यूमन बींग्स, ये सब मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल थे. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. तो प्रोकैरियोटिक सेल से ही पता चल रहा है कि पी फॉर प्रिमेटिव, मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स किस टाइप के सेल्स हैं जो पहले मिलते थे प्रिमेटिव टाइम्स में, समझ में आया. और प्रोकैरियोटिक्स की ही इवोल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसी के डेवलपमेंट की वजह से आज कौन सा सेल आया है, यूकैरियोटिक सेल्स. पहले प्रिमेटिव टाइम्स में हमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलता था, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल ही डेवलप करके यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हुआ है. गॉट इट. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस टाइप्स के सेल्स होते हैं, वो ऐसा सेल्स होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. न्यूक्लियस के अंदर किसी भी सेल्स का जेनेटिक मटेरियल्स रहता है ना, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक के सेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही स्केटर्ड रहता है, यहाँ से कोई इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंदर उसको रखें. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट रहता है, और साथ में जितना भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जैसे सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आता है जो हम लोगों ने क्लास 7 में देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइजोजम्स हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपीयर, सेंट्रोमेयर्स, बहुत कुछ है, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, तो बहुत ऑर्गेनेल्स हमारे सेल्स के अंदर मिलते हैं. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब एब्सेंट रहते हैं. गॉट इट. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब क्या हुआ, वैसा सेल जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे एब्सेंट रहते हैं. और यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है और जितना भी हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट रहते हैं. तो यही डिफरेंस अभी हमें देखना है पॉइंट टू पॉइंट. तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है, एक तो ये प्रिमेटिव है तो सिंपल होगा, क्योंकि इसी से प्रोकैरियोटिक इवॉल्व होकर हमारा यूकैरियोटिक में डेवलप हुआ है. तो सिंपल, जब टाइम के साथ जब वो इवॉल्व होता है, जब डेवलप होता है, तो कॉम्प्लेक्स में ही ना चेंज होता है. तो जो प्रिमेटिव हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है हमारा वो कैसा है, सिंपल है, प्लस यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में ये स्मॉल होता है. तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये रिलेटिवली सिंपल, मतलब किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में सिंपल होता है, स्मॉल होता है, और इसका साइज कितना से कितना हो सकता है, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर. फिर इसका साइज कितना हो सकता है, तो ये 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर. और हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे कि हमेशा वहाँ पे एक रिजिड, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर कवरिंग मिलेगा जो रिजिड होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल. तो हर प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें सेल वाल देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रिजिड होता है, और वो सेल्स को प्रिवेंट करता है कोई भी मैकेनिकल इंजरी से, कोई भी रेप्चर से सेल को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है. तो यही बोला जा रहा है कि हमारा अगर जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे सेल वाल रहते हैं, और ये सेल वाल का काम क्या होता है, ये सेल्स को रेप्चर करने से प्रिवेंट करते हैं.
और यूकेरियोटिक सेल्स के केस में तुम्हारा सेल वाल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, मे और मे नॉट बी वाला केसेस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हमेशा तुमको सेल वाल देखने को मिलेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स है, क्या वहाँ पे सेल वाल है? नहीं है। लेकिन प्लांट बॉडी में जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स है वहाँ पे सेल वाल है। मतलब यूकेरियोटिक सेल्स में सेल वाल मिल भी सकता है और सेल वाल नहीं भी मिल सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा हमें सेल वाल देखने को मिलता है। और सेल वाल कैसा होता है? रिजिड होता है, जो सेल को रिप्चर होने से क्या करता है? बचाता है, प्रिवेंट करता है। गॉट इट? उसके बाद से देखो, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लूज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब प्रोकैरियोटिक सेल्स का डिफिनेशन ही है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स इसका जेनेटिक मेम्ब्रेन क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल्स हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व होता है। गॉट इट? एंड लास्ट पॉइंट क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है, और सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल सर्कुलर होता है। अगर हम उसी को यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो वो लीनियर होता है और बहुत सारा होता है। समझ आया? हमारे में क्रोमोजोम यानी जेनेटिक मटेरियल ऐसे मिलता है ना, लीनियर, सीधा सीधा ऐसे। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो ये सर्कुलर में मिलता है और बस एक ही मिलता है, डबल स्टैंडर्ड। गॉट इट? तो यही था डिफरेंस प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का, जो हम लोगों ने कल भी देखा था यहीं पे इसी के फिगर के थ्रू। जैसे देखो यहाँ पे ये आई थिंक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो देखो ये जेनेटिक मटेरियल कहीं पे इसके ये चारों तरफ से कोई इन्वॉल्व है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, है ना? तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स है। समझ आया? यूकैरियोटिक सेल्स का फिगर और प्रोकैरियोटिक सेल्स का फिगर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देख रहे हो कितना कुछ मिल रहा है तुम्हें देखने को, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है सब मिल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्लस इसका जेनेटिक मटेरियल भी कोई भी इन्वॉल्व में बंद नहीं है, ऐसे स्केटर्ड है। गॉट इट? अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तक हम लोगों ने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देख लिया, प्रोकैरियोटिक देख लिया और यूकैरियोटिक देख लिया। और यूकैरियोटिक हमारा एडवांस वर्जन ऑफ सेल है, जो जनरली हर प्लांट और एनिमल्स में मिलता है। तो अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लास 7 में भी देखा है सेल चैप्टर में। तो अगर आप लोग सेल्स को जब देखोगे तो वो कैसा दिखता है? ऐसे। एक मिनट, इसको थोड़ा सही रहे। ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्म बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कवरिंग दिख रहा है, ये जो कवरिंग दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में हमें सेमी फ्लूइड टाइप्स का लिक्विड दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान से देखना, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। समझ आया? सेल हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस हुआ जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, ये उसका इन्वॉल्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट?
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लोप्लाज्म क्या होता है? तो यही चीज है यहाँ पे, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इट हैज अ थ्री मेन कंपोनेंट्स। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और शेल मेम्ब्रेन, ये वाला। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये वाला। उसके बाद से न्यूक्लियोप्लाज्म, ये अलग है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म। अब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, कभी कभी हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म को ही प्रोटोप्लाज्म कंसिडर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो ये फिगर में, अब सेल, सेल्स के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। पूरे एकदम डिटेल स्ट्रक्चर है, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर भी हायर क्लासेस में जाओगे ना तो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं ना, उसी के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसी के अंदर हमारा एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल्स होता है, समझ आया? न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। और प्लस ये लाइजोजोम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल का, क्लास 7 में सुसाइडल बैग, ठीक है। ये गोल्गी वेसिकल्स, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। व्हाट इट? और शेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पता ही है, सेंट्रियोल्स, ये सब सेल्स के डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल्स वगैरह जो प्रेजेंट रहता है ना यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, उस टाइम में ये हेल्प करता है। इसको भी तुम लोग, ये सेंट्रियोल्स का डिटेल स्ट्रक्चर तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, सेल चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास 12 में, आई थिंक, हाँ क्लास 12 में। ये पूरा क्लास 11th वाला दिया, क्लास 12th वाला दिया है। सेंट्रियोल्स इज कम्पोज ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स। ये जो स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा, जो कि 9th के सिलेबस में नहीं है, ये 12th के सिलेबस में है। गॉट इट? 12th या 11th, ऐसे ही कुछ करके किसी का सिलेबस का है, 11th का ही है शायद, हाँ 11th का ही है। ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हमारा मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, तो पता चल गया ना कि सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, लाइजोसोम्स, गोल्गी वेसिकल्स, रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन तो होता ही मेन पार्ट है, गोल्गी अपीयर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स। इतना कुछ हमें देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। Got it? अब हम लोग आगे ना एक एक के बारे में पढ़ेंगे, लाइजोजम्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी वेसिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक एक का डिटेल मतलब स्टडी इसी चैप्टर में हम लोगों को करना है। अभी बस हम देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या प्रेजेंट है, अब एक एक को डिटेल में हम लोग आगे के क्लासेस में देखेंगे। Got it? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सेल हमारा होता है उसका इस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यही आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी। गॉट इट? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्वालिटी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। थिन इलास्टिक कवरिंग दैट सराउंडेड द सेल, पतला होता है, इलास्टिक नेचर में होता है, जिस जो कि क्या करता है, सेल को कवर करता है। ये सेल को ही ना कवर कर रहा है,
हाँ, और पतला होता है और इलास्टिक नेचर में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, थिन इलास्टिक कवरिंग दैट सराउंडेड द सेल। उसके बाद से हमारा क्या है, इट सेपरेट द कॉन्टेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इस कवरिंग का काम क्या हुआ, इस जो सराउंडिंग है हमारा, मान लो ये हमारा इन्वायरमेंट है, क्या बोल सकते हैं इसको, सराउंडिंग। तो जो सराउंडिंग में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है और सेल के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है, वो दोनों को ये सेपरेट कर रहा है ना, मिक्स नहीं होने दे रहा है ना। अगर यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता तो सराउंडिंग वाला सब्सटेंस और सेल्स के अंदर वाला सब्सटेंस मिक्स हो जाते ना। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, इट सेपरेट द कॉन्टेंट्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब सेल्स के कंपोनेंट के उसके सराउंडिंग से सेपरेट करता है। सराउंडिंग के कंपोनेंट को अलग रखता है और सेल के कंपोनेंट को अलग रखता है। गॉट इट। एंड थर्ड क्या है, इट इज सेलेक्टिव परमीएबल इन नेचर, इट मींस न्यूमरेटर वाले को मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इट। अब अगर हम लोग क्लास आई थिंक केमिस्ट्री में भी तुम लोगों ने मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे ये इम्प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव प्रेमिएबल मेम्ब्रेन, अप्रेमिएबल मेम्ब्रेन, तीन टाइप्स का मेम्ब्रेन होता है ना। इम्प्रेमिएबल किसी भी चीज़ को, मतलब वो ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं करता, किसी भी चीज़ को अपने थ्रू वो क्रॉस नहीं करने देता। और सेलेक्टिव प्रेमिएबल कुछ सेलेक्टेड चीज़ को ही अपने थ्रू क्रॉस करने देते हैं, और प्रेमिएबल किसी भी चीज़ को अपने थ्रू वो लोग क्रॉस करने देता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, सेलेक्टिव प्रेमिएबल नेचर में होता है। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ को ही अंदर आने देता है, ये नहीं कि सराउंडिंग में कुछ भी प्रेजेंट है वो हमारे सेल्स के अंदर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस सेलेक्टेड चीज़ों को ही ये लोग मतलब ये मेम्ब्रेन सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर आने देता है। गॉट इट। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ सेलेक्टिव प्रेमिएबल इन नेचर एंड अलाउ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इट। सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ आ सकते हैं, कोई भी मुंह उठा के नहीं आ सकता इसके अंदर। समझ आया। कंपोज ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी हमारा बॉडी है, सेल्स है, ये सब मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, बायो मॉलिक्यूल्स, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, यही सब चीज़ से ना हमारा बॉडी यानी हमारा सेल बना हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किस चीज़ से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, लिपिड है और प्रोटीन है। लिपिड क्या होता है, फैट, और प्रोटीन तो पता ही है। उसके बाद से फिफ्थ हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाय फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मॉडल दिया, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना एटम्स वाला, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, ये लोग का मॉडल, एटम्स का मॉडल, लेकिन बाद में जाके पता नहीं किसका सिलेक्ट होता है, हमको याद नहीं आ रहा। तो सेम वैसे ही तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक एक मॉडल दिया, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है वो कौन सा मॉडल है, तो ये है हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और इसको किसने दिया था, तो सिंगो एंड निकोलसन ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने ही हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स दिया था, और इसी के थ्रू हम लोग सेल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट जो मॉडल दिए थे उसके थ्रू हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, सिर्फ हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल को यूज़ करके सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये किसने दिया था, तो ये हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। गॉट इट। यही है ये मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसे कौन दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। तो फिगर में दिख रहा है ना, ये जनरली किस किस से बना हुआ था, लिपिड से और प्रोटीन से। तो यहाँ पे हमें दो टाइप्स का प्रोटीन देखने को मिलता है, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल, ठीक है। इंटीग्रल जो कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाई लेयर से बना हुआ होता है। जैसे लिपिड का बाई लेयर होता है, एक लेयर नहीं होता, दो लेयर होता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा एक लेयर हो गया, फिर ये एक लेयर हो गया, तो ऐसे ही लिपिड्स के बाई लेयर से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, और यही हमारे सेल्स को सराउंड करता है।
गॉट इट। और इसी में अगर ये तो लिपिड हो गया, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सेल्स मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो दो टाइप्स का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एक हमारा कौन सा प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा हमारा कौन सा प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो ये पूरा पूरा मेम्ब्रेन के अंदर से जाता है, ठीक है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो सिर्फ ऐसे ही अटैच रहता है। समझ आया? सेल मेम्ब्रेन हमारा लिपिड बाई लेयर है, एक लिपिड का स्ट्रक्चर। एक सेकेंड, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हमारा कैसा है, लिपिड बाई लेयर, एक लेयर ऐसे होता है, तो ये दो लेयर से बना हुआ है, तो ऐसे होता है, ऐसे। ये वाला पता है तुम लोगों को, ये वाला जो हमारा है ना, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग, और ये वाला जो टेल होता है वो क्या होता है, टेल, ये हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब पता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक में मतलब वाटर से डरता है। समझ आया? और इसी में तो ये तो लिपिड हो गया, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन दो टाइप्स का होता है, एक जो ये पूरा इसके अंदर अंदर से जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, और एक ऐसे ही अटैच रहता है इधर उधर, मतलब सरफेस पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। इसका और भी बहुत ज़्यादा अगर एक्सप्लेन करना अगर चाहे, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक दो क्लासेस लगेगा। ये लिपिड बाई फॉस्फेट लिपिड का होता है, ये जो फॉस्फेट होता है वो हमारा वाटर लविंग होता है, ये जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसको हम लोग रखते हैं ताकि ये सराउंडिंग से वाटर के कॉन्टेक्ट में रहता है, सेल्स के अंदर भी वाटर का कॉन्टेक्ट रहता है इस वजह से। तो ये सब चीज़ हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को बस इतना पढ़ना है कि सेल्स का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो लिपिड से और प्रोटीन से, ठीक है। लिपिड कैसे अरेंज रहता है, तो बाई लेयर्ड होता है, ठीक है, लिपिड का बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, और उसी में प्रोटीन, दो टाइप्स का प्रोटीन मिलता है, एक पूरे अंदर तक क्रॉस करके जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, और एक जो ऊपर ऊपर से अटैच रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। तो बस यही था, ठीक है। जैसे कि लिपिड बाई लेयर हो गया, दिख रहा है ना, लिपिड बाई लेयर, और जो अंदर से जा रहा है, अंदर तक जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, और जो सिर्फ ये बाहर ही अटैच है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। गॉट इट? अब हम लोग देखेंगे कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है ना, ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो अब हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि मेम्ब्रेन की अक्रॉस सॉफ्टेंस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, लेकिन ये सब चीज़ हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, किसी को कोई डाउट, एनी वन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और रिगार्डिंग दिस चैप्टर? क्या एक बार और, फिगर में क्या देखा हम लोगों ने, फिगर में तो बस यही देखा ना कि लिपिड का बाई लेयर होता है और प्रोटीन दो टाइप्स का होता है, एक पूरा अंदर तक मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसे हम लोग इंटीग्रल बोल देते हैं, और जो एक सिर्फ सरफेस से अटैच होता है उसे पेरिफेरल। डाउट किसी को है, कोई डाउट? हाँ मैं पूछूं, एक मिनट के अंदर में सोचो जल्दी। हाँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यही बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा बाई सॉरी
लिपिड के बाई लेयर से बना हुआ है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो कि अंदर तक क्रॉस किया है, पेरीफेरल प्रोटीन है, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी उसके सरफेस पे अटैच होते हैं, वो हमेशा ऐसे फ्लूड है, फ्लूड के जैसे ऐसे मूव करते रहते हैं, मूव करते रहता है। ये पूरा फ्लूड मोजाइक मॉडल क्लास ट्वेल्थ में तुम लोग देखोगे। अभी बस इतना ही कि बाई लिपिड लेयर से बना हुआ है, उसमें दो टाइप्स का प्रोटीन होता है, एक पूरा क्रॉस करता है उसे इंटीग्रल बोल देते हैं, एक जो सरफेस पे होता है उसे पेरीफेरल बोल देते हैं। लिपिड फैट है और डाइजेशन चैप्टर में पढ़े नहीं होगे क्लास सेवन में। और किसी को कोई डाउट? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।